नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। बीएससीसी पशु परिचर और एलडीसी एग्ज़ाम बिल्कुल आपके जल्दी आगामी एग्ज़ाम है वो होने वाले हैं। इन सारे एग्ज़ामों की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण राजस्थान जीके के क्वेश्चन है वो रहने वाले हैं, जो ज़्यादातर पिछले एग्ज़ामों में वो पूछे गए हैं। जी हाँ, शुरू करते हैं आज की सीरीज़। आई होप आपको ये सीरीज़ पसंद आएगी। बिल्कुल, आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन अपना रहेगा, जी हाँ, बालातल सभ्यता स्थल का उत्खनन कार्य किसने किया था। जी, पहला क्वेश्चन है, बालातल जो सभ्यता स्थल है उसका उत्खनन कार्य किसने किया था। प्रोफेसर वी एन मिश्र, दयाराम साहनी, नील रतन बनर्जी और एस डी सांगरिया। तो दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो बालातल सभ्यता स्थल है, पहली बात तो ये है कहाँ पर, तो ये है अपने जो अपना उदयपुर ज़िला है, कहाँ पर है, उदयपुर ज़िले की एक तहसील है वल्लभ नगर, वल्लभ नगर तहसील के अंदर है वो, बिल्कुल ये पड़ता है भाई, ठीक है। तो बालातल सभ्यता स्थल कहाँ पर है, वल्लभ नगर उदयपुर में है, और इसकी खोज या उत्खनन की अगर मैं बात करूँ तो वो की थी प्रोफेसर वी एन मिश्र ने। जी हाँ, वी एन मिश्र ने कब की थी, अगर ये पूछे तो आपको ये भी पता होना चाहिए, 1993 के अंदर, 1993 के अंदर है वो, बिल्कुल इन्होंने ये खोज की थी। और ये जो बालातल सभ्यता है ये बेड़स नदी के किनारे पर है, किस नदी की अगर बात पूछे तो वो है अपनी बेड़स नदी, ठीक है, बेड़स नदी के किनारे है, ताम्रयुगीन सभ्यता है। जी हाँ, बिल्कुल, बनास संस्कृति से संबंधित स्थलों में से ये एक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन आज का अपना क्या रहने वाला है कि देवारी जो समझौता है वो किस वर्ष संपन्न हुआ था। जी हाँ, आपको पता होना चाहिए देवारी समझौता किसके बीच में हुआ और ये कब है वो संपन्न हुआ। तो दोस्तों, जो देवारी समझौता है वो अपने जो अपने जयपुर के महाराजा है सवाई जय सिंह और किसके बीच में हुआ था, तो मेवाड़ के महाराणा कौन थे उस टाइम, जयपुर के तो थे सवाई जय सिंह और मेवाड़ के महाराणा थे उस टाइम, वो थे महाराणा अमर सिंह द्वितीय। कौन थे, अमर सिंह द्वितीय थे, ठीक है, अमर सिंह सेकंड और जय सिंह, सवाई जय सिंह के बीच में ये समझौता हुआ देवारी का। कब हुआ, तो 1708 ईस्वी के अंदर ये समझौता है वो हुआ था, ठीक है। इस समझौते के तहत जो अमर सिंह सेकंड थे उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह सवाई जय सिंह के साथ इस शर्त पर किया कि उसका होने वाला पुत्र है वो बिल्कुल आगामी जो है उत्तराधिकारी जयपुर का बनेगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि जयपुर में मदरसा ए हुंदरी की स्थापना है वो किस शासक ने की थी। जयपुर में जो मदरसा ए हुंदरी है उसकी स्थापना किस शासक ने की, ऑप्शन आपके सामने है, राम सिंह द्वितीय, माधो सिंह, प्रताप सिंह या मानसिक द्वितीय। तो दोस्तों, जो जयपुर में मदरसा हुंदरी है उसकी स्थापना, पहली बात अगर मैं बात करूँ कब हुई, तो इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1857 के अंदर, जी हाँ, सॉरी 1857 के अंदर, क्रांति से आप याद रख सकते हैं कि 1857 की क्रांति हुई उसी समय वो मदरसा है हुंदरी की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो राम सिंह द्वितीय, जी हाँ, स्वाई राम सिंह द्वितीय के द्वारा है वो मदरसा है हुंदरी की स्थापना 1857 के अंदर है वो की गई। बाद में इसका नाम है वो परिवर्तन किया गया, कब किया गया, तो वो है 1886 के अंदर, बिल्कुल इसका नाम है वो क्या रख दिया गया, इसका नाम महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स कर दिया गया, ये भी आपको पता होना चाहिए 1886 के अंदर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन आज का क्या है कि 1919 ईस्वी में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना है वो कहाँ हुई। बिल्कुल, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है भाई, जो राजस्थान सेवा संघ है उसकी स्थापना पहली बात तो कब हुई, तो 1919 में हुई, अब कहाँ हुई ये सवाल बनता है, तो कानपुर, अजमेर, वर्धा या उदयपुर। जी हाँ, पता होना चाहिए आपको किसने इसकी स्थापना की, कहाँ पर हुई और कब हुई, तीनों बातें आपको पता होनी चाहिए। तो दोस्तों, 1919 के अंदर इसकी स्थापना कहाँ पर हुई, वर्धा में हुई, ठीक है। वर्धा कहाँ है, महाराष्ट्र के अंदर है, वर्धा महाराष्ट्र में किसने की, तो करने वाले अगर नाम पूछ ले तो पहला आपको ध्यान में रखना है अर्जुन लाल सेठी। कौन थे, अर्जुन लाल सेठी थे। दूसरे थे अपने केसरी सिंह। कौन थे, केसरी सिंह। और तीसरे थे अपने बिल्कुल विजय सिंह पतिक, बिल्कुल जिन्होंने बिजोलिया आंदोलन का नेतृत्व किया था, विजय सिंह पतिंग, ये तीनों के द्वारा है वो बिल्कुल वर्धा के अंदर राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1990 के अंदर की गई, ठीक है। बड़े अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नीमच के क्रांतिकारी सैनिकों ने दिल्ली जाते समय किस सैनिक छावनी को लूटा था। जी हाँ, नीमच वर्तमान में एमपी में है, उस टाइम राजस्थान की एक छावनी थी। तो नीमच के क्रांतिकारी सैनिक जब दिल्ली जा रहे थे तो कौन सी छावनी को उन्होंने लूटा, नसीराबाद, एरिनपुरा, ब्यावर या देवली। जी हाँ, इसका आंसर आप जल्दी से बताएं, नीमच में विद्रोह कब हुआ, यह अगर आपसे पूछ ले तो वो भी आपको पता होना चाहिए, 3 जून 1857 के अंदर है वो नीमच में विद्रोह हुआ था दोस्तों। और उसके बाद है वो बिल्कुल ये विद्रोह करते हुए दिल्ली जा रही थी, तो उन्होंने देवली जो छावनी है वो है अपने टोंक में। देवली कहाँ पर है, तो ये है अपने टोंक के अंदर,
हाँ, तो इस छावनी को है वो बिल्कुल उन्होंने लूटा था दोस्तों, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और पूछ ले जो अपना नीमच है, इसकी क्रांति का जो सूत्रपात किसने किया था, तो वो थे मोहम्मद अली बेग। बिल्कुल ये चीज़ पूछी हुई है भाई दोस्तों, मोहम्मद अली बेग आपको पता होना चाहिए। नीमच जो अपनी छावनी का आंदोलन है वो उन्होंने ही उसका सूत्रपात है वो किया था, ठीक है। तो ये यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बन जाते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले प्रथम राजस्थानी कौन से, प्रथम राजस्थानी पूछा है। राजस्थान में परमवीर चक्र दो जो अपने स्वतंत्रता सेनानी है उनको मिल चुका है, और तो इसमें से आपको प्रथम बताने हैं, ठीक है। शैतान सिंह, वीरेंद्र सिंह, मेजर हनु सिंह और पीरू सिंह। तो दोस्तों अगर बात करूँ प्रथम परमवीर चक्र की, तो पीरू सिंह को 1952 के अंदर है वो दिया गया था। कब दिया गया था, 1952 के अंदर। और दूसरा परमवीर चक्र मेजर शैतान सिंह को दिया गया था, इनको दिया गया था 1963 के अंदर। जी हाँ, मरणोपरांत इन्होंने इन्हें वो परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। दो ही अपने सैनिक थे राजस्थान के जिन्होंने जिन्हें वो परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। पहले थे पीरू सिंह 1952, दूसरे शैतान सिंह 1963, ठीक है। बड़े अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है कि भील जनजाति के उत्थान हेतु जल, जंगल और जमीन आंदोलन किसने किया। ऑप्शन आपके सामने है, मोतीलाल तेजावत, मामा बालेश्वर दयाल, सुरजी भगत या माणिक्यलाल वर्मा। जी हाँ, जल्दी से इसका आंसर है वो आप बताएं भाई। तो भील जनजाति के उत्थान के लिए जल, जंगल और जमीन अगर आंदोलन आपसे पूछे, तो वो थे मामा बालेश्वर दयाल के द्वारा ये आंदोलन है वो चलाया गया था दोस्तों। जी हाँ, राजस्थान व एमपी में इन्होंने भील आंदोलन भीलों के लिए बिल्कुल ये आंदोलन है वो किया था। भीलों की जल, जंगल और जमीन बचाने के लिए आंदोलन है इनके द्वारा बिल्कुल उनको जागरूक करते हुए प्रारंभ किया गया था, ठीक है। बड़े अगले क्वेश्चन के लिए। अगला है, राज्य के किस किसान आंदोलन की गूंज ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में उठी है। बहुत बार ये क्वेश्चन है वो कहीं एग्जाम में पूछा गया है, बिल्कुल महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा आंदोलन था जिसकी गूंज ब्रिटेन के जो हाउस ऑफ कॉमन्स है वहाँ पर है वो उठी थी। सिकर आंदोलन, बिजोले आंदोलन, बेंगू किसान आंदोलन या बरड किसान आंदोलन। जी हाँ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिकर किसान आंदोलन, जिसे शेखावटी किसान आंदोलन भी कहा जाता है। जी हाँ, ऑप्शन में शेखावटी किसान आंदोलन भी आ सकता है और सिकर किसान आंदोलन भी आ सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सिकर किसान आंदोलन, जिसकी गूंज है वो ब्रिटेन के हाउस ऑफ जो अपने कॉमन्स है वहाँ पर उठी थी। क्यों उठी थी, क्योंकि सिकर में एक जो कुंदन ग्राम पड़ता है वहाँ पर बिल्कुल क्रांतिकारी या जो आंदोलन करता है वो अपनी बैठक कर रहे थे, उसमें वेब नामक जो अधिकारी है उसके द्वारा गोलीबारी की गई, और जिसमें बहुत बड़ी संख्या में नरसंहार हुआ, और इस कारण है वो बिल्कुल इसकी गूंज है वो हाउस ऑफ कॉमन्स में उठी, ठीक है। बड़े आगे अगला क्वेश्चन लेके आते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है कि खेजड़ी को राजस्थान का राज्य वृक्ष कब घोषित किया गया। बिल्कुल ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, खेजड़ी को राजस्थान का राज्य वृक्ष कब घोषित किया गया। 21 मई 1981, 31 अक्टूबर 1981, 31 अक्टूबर 1983 और 21 मई 1983। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए 31 अक्टूबर 1983 को है वो क्या किया गया था, खेजड़ी को राजस्थान का राज्य वृक्ष है वो घोषित किया गया था। बिल्कुल, राजस्थान का कल्प वृक्ष भी खेजड़ी को कहते हैं, और इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है प्रोसोपिस सिनेनेरिया, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला है, निम्न में से किस स्थान पर केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान का क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र नहीं है। जी हाँ, ये बात हो रही है काजरी के बारे में। आपको पता होना चाहिए काजरी का मुख्य जो मेन मुख्यालय है वो तो कहाँ पर है, अपने जोधपुर के अंदर है, ठीक है, कहाँ पर है, जोधपुर में। और इसके पांच है वो अन्य क्षेत्रीय कार्यालय, वो कहाँ कहाँ हैं, ठीक है, तो वो आपको बताना है इनमें से कौन सा है जहाँ पर क्षेत्रीय कार्यालय नहीं है। तो बीकानेर के अंदर है, जी हाँ, जैसलमेर में भी है, ले अपने लद्दाख में पड़ता है वहाँ पर भी है, लेकिन बाड़मेर में नहीं है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, बाड़मेर, ठीक है। अब तीन तो ये हो गए, बीकानेर, जैसलमेर, ले, और दो और कौन से, एक तो है पाली, आपको याद रखना है पाली राजस्थान, और एक है भुज, भुज अपने पड़ जाता है गुजरात के अंदर, ठीक है, भुज गुजरात, पाली राजस्थान, बीकानेर, जैसलमेर और लेह लद्दाख, ठीक है। तो ये पांच इसके क्षेत्रीय कार्यालय है, और काजरी की स्थापना जोधपुर के अंदर 1959 को की गई थी, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना, कि जो दिलवाड़ा के जैन मंदिर है, जैन मंदिर समूह में सम्मिलित मंदिर नहीं है। जी हाँ, दिलवाड़ा में पांच जैन मंदिर है, उनमें निम्न में से कौन सा मंदिर है वो सम्मिलित नहीं है, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है, बताना है आपको। ऑप्शन है विमल साई, भीम साई, पीतल लहर और लूण वसई। तो जी हाँ, विमल साई है, पीत लहर भी है और लूण वसई है, भीम साई नहीं है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, भीम साई। अब दो अन्य मंदिर कौन से वो भी आपको पता होना चाहिए। तो एक तो है पार्श्वनाथ मंदिर, कौन सा मंदिर है, पार्श्वनाथ,
पार्श्वनाथ जी को समर्पित पार्श्वनाथ मंदिर है, ठीक है। और एक है अपना महावीर स्वामी मंदिर, महावीर स्वामी मंदिर, ठीक है। तो ये पांच मंदिर है वो आपको पता होने चाहिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला है, अक्टूबर 2022 में राजस्थान में 5G इंटरनेट सेवा का सांकेतिक शुभारंभ कहाँ से किया गया? जी हाँ, थोड़ा करंट से रिलेटेड है। अक्टूबर 2022 में जो अपना 5G इंटरनेट है उसका सांकेतिक शुभारंभ राजस्थान में किस स्थान से किया गया? ऑप्शन आपके सामने है, फलौदी जोधपुर, नाथद्वारा राजसमंद, कोटपुतली जयपुर या पोखरण जैसलमेर। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा नाथद्वारा राजसमंद में। जी हाँ, यहाँ पर मुकेश अंबानी के द्वारा बिल्कुल इसकी शुरुआत है वो अक्टूबर 2022 में नाथद्वारा राजसमंद में की गई थी। बिल्कुल महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पता होना सही है। बड़े अगले क्वेश्चन के लिए। अगला है, वर्ष 2022 का राजस्थानी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार कमल रंगा को उनकी किस कृति के लिए दिया गया? जी हाँ, राजस्थानी भाषा साहित्य जो अकादमी पुरस्कार है 2022 के, तो वो कमल रंगा को उनकी किस कृति के लिए दिया गया था? तो वो उनकी कृति थी अलेखु अम्बा। ऑप्शन बी अपना यहाँ से राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला है, बीकानेर जिले के कोलायत में कपिल मुनि का मेला है वो कब भरता है? जी हाँ, बीकानेर के कोलायत में जो कपिल मुनि का मेला है वो कब भरता है, ये आपसे पूछा गया दोस्तों। कार्तिक अमावस्या, कार्तिक पूर्णिमा, माघ पूर्णिमा और वैशाख पूर्णिमा। जी हाँ, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल, और जो बीकानेर जिले में जो मेला भरता है वो है कार्तिक पूर्णिमा। कोलायत में जो कपिल मुनि का मेला भरता है वो कार्तिक पूर्णिमा, इसी दिन पुष्कर का मेला है वो भरता है, और इसी दिन है वो अपना कोलायत में कपिल मुनि का मेला है वो भरता है। यहाँ पर दीपदान किया जाता है, बिल्कुल ये आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पर भी पुष्कर की तरह बावन घाट है वो बने हुए हैं, ठीक है। बड़े अगले क्वेश्चन के लिए। अगला है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक और अपने को जो है अंग दे रखे हैं शरीर के, और दूसरी ओर उसमें पहने जाने वाले आभूषण, दामना आगे दे रखा अंगुली, मोकड़ी हाथ, नुपुर गला, टोंटी नाक। तो दामना बिल्कुल अंगुली में पहनते हैं, राइट है ये। तो मोकड़ी ये हाथ में सही है, टोंटी कान में सही है, लेकिन नुपुर, नुपुर गले में नहीं होता है दोस्तों, ठीक है। तो अपना आंसर है वो सी हो जाएगा। नुपुर कहाँ पहना जाता है? तो ये अपना पैर के अंदर पहना जाता है, ठीक है। नुपुर, नेवरी ये सारे पैर में पहने जाने वाले आभूषण हैं, ठीक है। तो ये थे आज के 15 क्वेश्चन, आशा करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। बिल्कुल इसी प्रकार अपनी ये सीरीज चलती रहेगी, डे बाय डे हम ऐसे ही क्वेश्चन है वो मोस्ट लेके आएंगे आपके BSTC पशु परिचर और LDC एग्जाम के बिल्कुल को रिलेटेड, बिल्कुल अपनी ये सीरीज चलती रहेगी, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, राम राम सभी को।